ये मशीनों में गड़बड़ी की गई, एक मशीन में एक वोट निकल रहा है, किसी मशीन की सील टूटी, किसी में वो पीठासीन अधिकारी ने जो पत्र सील किया वो नहीं निकल रहा है और मशीनों की सील टूटी हुई निकल रही है। प्रशासन से कह रहे हैं, प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है और हमें ऐसा लगता है कि इन मशीनों में गड़बड़ी की गई। आए थे मीडिया वाले भी, कुछ कर्मचारी थे, इन्होंने हमें अंदर आके घुसने नहीं दिया और हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, जेल भिजवा देंगे, लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं और ये पूरा प्रशासन आप लोगों की क्या मांग क्या चाहते हैं? अरे हमारी तो इलेक्शन कैंसिल किया जाए, दोबारा इलेक्शन बोल रहा है मीडिया बोल रही है और ये हमारी बिल्कुल मशीनों के साथ बदल गई है क्या? एक मिनट यार, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बगिया मोहल्ले में जहाँ एक भी हिंदू नहीं है, जहाँ आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, वहाँ 395 वोट निकल रहे हैं, एक जीप कार के 365 वोट निकल रहे हैं, रैना रोड में निर्दलीय प्रत्याशी के, ये क्या मतलब क्या है? क्या बदली गई, बदली जा सकती है? ईवीएम में बदली गई है क्या? बदली गई होगी, कोई आजकल टेक्निकल है, कुछ भी किया होगा इन्होंने, छेड़छाड़ की गई की शिकायत यहाँ भी होगी, आयोग से होगी, जिससे भी होगी करेंगे। ये चुनाव नहीं है, ये योगी तंत्र का चुनाव है, ये मोदी तंत्र। अगला स्टेप आपका क्या होगा? इसके बाद अगला स्टेप हमारे अधिकारी बहिष्कार कर रहे हैं। अगर आप लोग बहिष्कार नहीं है, जब बहिष्कार हम इसलिए कर रहे हैं कि जब सब पहले ही डिसाइड है, हम तो डीएम साहिबा से निवेदन कर रहे हैं कि इन्हें मैं कार्रवाई कर लूंगा, तांत्रिक तरीके से करिए, आचार संहिता लागू है, यहाँ काउंटिंग प्रभावित हो रही है, नहीं होगा राइटिंग में पूरा लिख दिया आपने, ग्राउंड जो बना रहे हैं आप। सभी जगह यही हो रहा है, टुडला में भी यही हो रहा है। देखिए अभी हम लोगों को व्यवधान कुछ इन लोग के द्वारा किया गया और एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, कुछ नारेबाजी भी की गई है, लेकिन काफ़ी लीड जो
अन्य ग्रुप्स की थी वो दिख रही थी। इनके द्वारा जो आपत्ति व्यक्त की गई है उसको हम लोगों ने उनके सामने भी क्लियर क्लैरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो एक हुजूम में एक साथ बोल रहे थे, एक ही बात निरंतर लगातार वो बोले जा रहे थे, नहीं समझ रहे थे, और मैंने उनको बोला है लिखित प्रत्यावेदन दें, लेकिन हम लोगों के द्वारा पूरी निष्पक्षता बरकरार रखी जा रही है, अच्छी तरह से काउंटिंग की जा रही है, अन्य पार्टीज़ के भी काउंटिंग एजेंट्स मौजूद हैं और सभी ने इसमें सहमति व्यक्त की कि जो भी बात की गई है वो गलत है।